हेलो इट्स मी राइडर बट सहबाज गाइस आई होप आप लोग अच्छे रहेंगे। 15 अगस्त है सो हैप्पी इंडिपेंडेंस ऑल ऑफ यू गाइस। एंड मैं चल रहा हूँ राइड पे सो काफ़ी लेट निकला, मेरे ख्याल से अभी 10:30 AM हो रहा है। सो मेरे को सुबह उठना चाहिए था बट क्या है मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो रहा है। सो वेल आज चलते हैं राइड पे। एंड क्या है ना कि मैं बहुत दिनों से राइड नहीं किया हूँ, मूड भी नहीं कर रहा था यार राइड करने का। सो वेल कुछ रीज़न था, मतलब मैं राइड नहीं कर रहा था, मन अपसेट हो गया था मेरा अंदर से। सो फाइनली आज मैं निकला हूँ राइड के लिए। सो और आज हमारे साथ एक भाई है V4 लेके। सो ये मेरे बिल्डिंग में ही रहते हैं, मेरे सोसाइटी में रहते हैं। सो भाई ने मेरे को डैम किया था इंस्टा पे कि भैया भाई मुझे भी राइड पे चलना है। मैं बोला चलो भाई। सो आज 15 अगस्त है तो भाई को छुट्टी था तो आज आ गए राइड पे हमारे साथ। सो भाई बारिश स्टार्ट हो रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। आज मैं बैनली लेके नहीं आया क्योंकि पता है आप लोगों को 15 अगस्त है एंड काफ़ी ज़्यादा लाउड रहेगा और जगह जगह गाइस पुलिस वाले रहेंगे। सो मसला हो सकता है उससे, उसके लिए आज मैं ड्यूक ले लिया हूँ एंड पुलिस का नाम लिया। भाई पुलिस भी चल रही है मेरे साथ में। सो आज नया लोकेशन है, मतलब मैं गया हूँ, लोकेशन बताऊँगा नहीं, पहुँचने के बाद आपको बताऊँगा कौन सा लोकेशन है। अच्छा लोकेशन है काफ़ी, रेडी ब्लॉक और चोमू लोग यहाँ पे घूमने आए हैं सब। सो रिएक्शन चेक कर लो आप लोग। इतना लाइन लगाऊं मैं इसके लिए? हाँ लॉजिक वाली बात, इतना लाइन लगाओ भाई 20-25 रुपए के लिए। $199 डालना। हाँ चलो डालो। तो टैंक फुल है पूरा। तो भी बोला डाल लेता हूँ। सो वेल गाइस अपनी गाड़ी का टैंक फुल था, एक पॉइंट कम था, वो भी पूरा लेवल में हो गया है। सो वेल थोड़ा एयर भी ले लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया एयर लेके मेरे को। Thank you.
वेल बैग को आगे लेते हैं। तो वह ये कार वाला क्यों रुकाया है यहाँ पे? सो वेल वो लोगों को देखते किधर है। सो पीछे ये लोग भी आ रहे हैं। सो वेल गाइस आज 15 अगस्त है तो रोड काफी खाली है। ये तो बाय गॉड इतनी ट्रैफिक रहती है ना, कोई हिसाब नहीं है ट्रैफिक का। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अरविंद टैडी ब्लॉग लोग एंड हिमालयन वाले भाई सब अपना वेट कर रहे हैं आगे। आई मीन लोग सब वेट कर रहे हैं डेस्टिनेशन पे किधर है, बट हम लोग लेट निकले। लेट निकलने का रीज़न इरफान भाई की वजह से थोड़ा लेट हो गया है। तो इन लोगों को दिखाना पड़ेगा स्लो डाउन के लिए, बिकॉज थोड़ा रास्ता ख़राब है एंड कॉर्नरिंग है सबसे डेंजर चीज़ है वो। बट अपने को क्या है, अपने को आइडिया है, अपन आते जाते रहते हैं तो क्या अपने को रास्ता वास्ता पूरा याद है। सो अपने लिए इतना दिक्कत की बात नहीं है। चल रहे हैं हम लोग, कॉर्नरिंग है उसके लिए। उन लोग हाथ दिखा के स्लो करना, स्लो। स्लो 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 रास्ता है ना। सो पहले सब बताना पड़ता है यार, वो तो एक्स कॉर्नरिंग है वहाँ पे और एक फ्लाईओवर ऊपर चढ़ रहा है नीचे। सो वहाँ पे एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको नहीं पता है गाइस जो फर्स्ट टाइम वो रूट पे आता है ना उसके लिए काफ़ी डेंजर होता है, डिफ़िकल्ट होता है, मतलब उसको हैंडल करना, एनालाइज नहीं कर पाता है बंदा यार क्या करूँ। उस टाइम दिमाग भी काम नहीं करता जब गाड़ी स्पीड में रहे, सामने कुछ आ जाए ऐसा। तो वेल उसके लिए मैं हाथ दिखा रहा हूँ इन लोगों कि थोड़ा ही आराम से ही आए, बिकॉज राइडिंग एयर्स भाई ने पहनी भी नहीं है, ना पीछे शीनू पहना है ना हेलमेट पहना है। गाड़ियों क्या है यार, गाड़ियों तो भाई है वापस आ जाएगी यार, जाने तो जाने पता ही है आप लोगों को, बट अल्लाह बहुत बड़ा है, सबका मालिक है।
हिफाजत फरमाने वाला रब है।